तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो रिएक्शन। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है, मैं आप सबके साथ पहले शेयर कर देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा वीडियो होने वाला है। अगर आप लोगों ने तो थंबनेल देखकर अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि क्या होने वाला है वीडियो में, बट मैं फिर भी एक बार आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। तो वीडियो होने वाला है परम सर्वेंट ऑफ अल्लाह के चैनल से जानिब से, क्योंकि ये एक हिंदू शख्स थे पहले और अभी इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है, इस्लाम धर्म को अपना लिया है। तो इसलिए भी बहुत सारी चीज़ें जो इस्लाम के बारे में आए दिन बताते रहते हैं सोशल मीडिया में, तो आज उन्हीं की वीडियो पर रिएक्शन होने वाला है। क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि कितने हद तक ये सही चीज़ें जो हम सब तक पहुँचा रहे हैं, कि वाकई में ऐसी चीज़ें जो है लिखी हुई है कुरान शरीफ में, जिनको जिनके बारे में ये बातें कर रहे हैं, और क्या प्रूफ है इस वीडियो में, और क्या जो है किताबों में लिखी हुई है वो बातें साइंटिफिकली प्रूफ है। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक मेन यही होने वाला है, तो फिर भी चलिए इनके वीडियो से जो है आज कुछ नॉलेज हासिल करते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि कोई दूसरे धर्म के लोग जो है हमसे ज़्यादा नॉलेज वाले होते हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हम सबके साथ शेयर करते हैं। बहुत खुशी की बात होती है। एग्जैक्टली उनके दिमाग में अब आ चुका है कि इस्लाम धर्म जो है वो वाकई में एक सच्चा धर्म है, और इस पर जो है कोई शक नहीं है। क्योंकि जब हिंदू धर्म के लोग जो है इस्लाम को कबूल करते हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें जो है इस्लाम में सच्चाई नज़र आती है, तभी जा कर के वो इस्लाम धर्म को कबूल करते हैं। तो उसी तरीके से जब वो कुछ नॉलेज वाली चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं अपने अंदर, कुछ चीज़ें समझते हैं कि वाकई में ये सारी चीज़ें जो है सच है, तो वो जो है ना हम सब तक ये सारी चीज़ें पहुँचाते हैं कि लोग जाने, सही चीज़ें समझें और सही चीज़ों को फॉलो करें। तो चलिए जानते हैं आज परम सर्वेंट ऑफ अल्लाह परम जी के ज़ुबानी के 9 हिडन सीक्रेट्स ऑफ कुरान जो साइंटिफिकली प्रूव है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो कुरान में बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स हैं, बट आज हम 9 हिडन सीक्रेट्स की बात करने वाले हैं जो कुरान में हमें मिलते हैं, सबूत के साथ बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। कैसे हैं आप सब लोग? चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज 1 मिलियन तक करना है हमें जल्द से जल्द। चलिए सबसे पहले सीक्रेट की बात करते हैं। ये जो स्क्रीन पे आप रंगीले पहाड़ देख रहे हो, ये चाइना और पेरू में पाए जाते हैं। इन पहाड़ों का जिक्र हमें कुरान में मिलता है, सूरह फतेर आयत नंबर 27, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुमने ना देखा अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा और इससे मुख्तलिफ रंगों वाले फल निकाले और पहाड़ों में सफ़ेद और सुर्ख रंग वाले रास्ते हैं। इसमें कुछ मुख्तलिफ रंग वाले पहाड़ हैं और कुछ बहुत ही काले हैं। कमाल की बात तो ये है, हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में पैदा हुए, जहाँ पे किसी को ये रंगीले पहाड़ों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, और ना ही दूर दूर तक रंगीले पहाड़ कहीं दिखते थे। तो आखिर हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बारे में कैसे पता चला? अल्लाह सुबहान व तआला। क्या अभी भी लोग कुरान की सच्चाई का इनकार करेंगे? दिस वॉज द हिडन सीक्रेट नंबर 1। अभी बात करते हैं हिडन सीक्रेट नंबर 2 की। आपने समंदर की लहरों को तो देखा होगा, क्या आपको ये पता है कि समंदर के अंदर भी लहरें होती हैं, जिनको इंटरनल वेव्स कहा जाता है। जब समंदर में पानी एक लेयर में मूव करता है, तो किसी रुकावट की वजह से एक डिस्टर्बेंस पैदा होती है, जिसकी वजह से समंदर में वेव्स बनती हैं। इसको 1893 में डिस्कवर किया गया था, 1893, लेकिन कुरान में हमेशा की तरह पहले ही इस चीज़ को बता दिया गया था। अल्लाह सुभान व तआला फरमाता है सूरह अन्नूर आयत नंबर 40 में, या जैसे किसी गहरे समंदर में तारीखियां हों, जिसको ऊपर से एक लहर ने ढांप लिया हो, इस एक लहर पे एक और लहर हो, इस दूसरी लहर पर बादल हो, और कौन सी अल्लाह की नेमतों को ठुकराओगे? सीक्रेट नंबर 3, कुरान में एम्ब्रियोलॉजी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ एक्सप्लेन की गई है। यहाँ पे बच्चा पैदा होने का पूरा एग्जैक्ट प्रोसेस बताया गया है कि किस तरह से स्पर्म बॉडी में एंटर होता है और वहाँ से किस तरह से बच्चा पैदा होता है। जहाँ तक कि साइंस ने 1959 में एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कवर किया था, उससे पहले तक किसी को ये भी पता नहीं था कि बॉडी में स्पर्म किन स्टेजेस तक गुजर के जाता है और फिर बच्चा किस तरह से वजूद में आता है और किस तरह बच्चा अपनी शेप लेता है और किस तरह से पैदा होता है। सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 14, इसमें अल्लाह ताला ने परफेक्ट ऑर्डर के साथ एक्सप्लेन किया है। अल्लाह फरमाता है, फिर इसको एक मजबूत ठहराव में पानी की बूंद बनाया, फिर हमने इस पानी की बूंद को जमा हुआ खून बना दिया, फिर इस जमे हुए खून को गोश्त की बोटी बना दी, फिर गोश्त की बोटी को हड्डियां बना दिया, फिर हमने इस हड्डियों को गोश्त बनाया,
फिर हमने इसको दूसरी सूरत बना लिया जो बड़ी बरकत वाला है, जो अल्लाह सबसे बेहतर बनाने वाला है। आज से पहले 1400 साल पहले ये सारी चीज़ें बताना एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी इतने हाई लेवल टेक्नोलॉजी वाले इंस्ट्रूमेंट्स जो 1400 साल पहले अवेलेबल नहीं थे। वो अल्लाह ताला कुरान में फरमाया exactly. और कौन सी नेमतों को ठुकराओगे। डॉक्टर कीथ मोर जो एम्ब्रियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, इनको सऊदी अरेबिया में इनवाइट किया गया एक कॉलेज में, अब्दुल अजीज़ कॉलेज में इनको वहाँ पे बुलाया गया और उन्हें ये सूरह अल मोमिनून की जो ये आयत मैंने आपको पढ़ के बताई इसको एग्ज़ामिन करने के लिए उनको बोला गया कि इसको एग्ज़ामिन करो, इसको वेरीफाई करो कि जो इसमें बताया गया है आपकी लैंग्वेज में इंग्लिश में क्या ये सही है। जैसे ही उन्होंने इन आयात को पढ़ा वो हैरान रह गए और इसके बाद उन्होंने कुरान के बारे में ये कहा, सुनिए। Intensive studies of the Quran and Hadith in the last 4 years have revealed a system for classifying human embryos that is amazing since it was recorded in the 7th century AD. जैसे कि आपने देखा, आपने सुना कि डॉक्टर कीथ इस मौजज़े को सुन के, इस पढ़ के हैरान रह गए कि 7th century में 1400 साल पहले ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। सीक्रेट नंबर 4, ये जो आप अभी सामने देख रहे हो इसको डेथ वैली कहा जाता है, और जो ये आप पत्थर देख रहे हो वाइट कलर के, इनका 320 पाउंड तक का वेट होता है। कमाल की बात ये है कि ये जो पत्थर हैं खुद से मूव करते हैं, 320 पाउंड का पत्थर खुद से मूव करता है, माशाल्लाह तबारकल्ला। बहुत सालों तक साइंटिस्ट ने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया, परेशान रहे कि भाई ये पत्थर मूव कैसे करते हैं। आखिरकार 2014 में साइंटिस्ट ने टाइम लैप्स कैमरा लगा के उस पत्थरों की मूवमेंट का उन्होंने कैप्चर किया उसको। जब साइंटिस्ट ने इस पत्थर को कैप्चर किया तो उन्हें पता चला सर्दियों में जो बारिश होती है, बारिश का जो पानी है कड़क सर्दियों में जब वो जम जाता है ठंडी में, और अगले दिन बर्फ़ काफ़ी मोटी हो जाती है, फिर हल्की सी हवा चलने से ये बर्फ़ तालाब में पत्थरों के पीछे जमा हो जाती है। जैसे जैसे बर्फ़ जमा होती है वैसे वैसे ये पत्थर जो है मूव करते हैं। और कुरान में अल्लाह ताला इसके बारे में क्या फरमाता है वो आप सुनिए। सूरह अल बकरा आयत नंबर 74, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, फिर वो पत्थरों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा सख्त हैं, और पत्थरों में से कुछ वो हैं जिनसे नदियां बह निकलती हैं, और कुछ वो हैं कि जब फट जाते हैं उनसे पानी निकलता है, और कुछ वो हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं, अल्लाह तुम्हारे अमाल से हरगिज़ बेखबर नहीं। यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक हैरान गुन बात कही है कि कुछ पत्थर ऐसे हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। यहाँ पे पहाड़ों जैसे चट्टान वाले पत्थरों की बात नहीं हो रही जो हवा की वजह से या फिर वो लैंडस्लाइड की वजह से या फिर धरती भूकंप आने की वजह से गिरते हैं, उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे मोस्ट लाइटली इन्हीं पत्थरों की बात हो रही है, जो ये डेथ वैली वाले पत्थर हैं जो अपने आप मूव करते हैं, 320 पाउंड के पत्थर। सीक्रेट नंबर 5, सूरह अल बकरा आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला फरमाता है, यहाँ पे अल्लाह ताला का कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला मच्छर हो या मच्छर से भी ज़्यादा छोटी कोई चीज़ हो उसकी भी मिसाल दे सकता है लोगों को समझाने के लिए, हिदायत देने के लिए। साइंस ने ये डिस्कवर किया है कि मच्छर के जो पर हैं एक सेकंड में 300 से लेके 600 बार वो पर को फड़फड़ाता है। सोचो आप, मच्छर में एक डिटेक्शन होता है कि जिसकी वजह से वो जानवर हो या इंसान हो दूर से ही उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, उनको महसूस होने लग जाता है, ये इंटरनल उनका एक सिस्टम है। इसी तरह इनमें हीट और विजुअल सेंसर्स भी होते हैं, माशाल्लाह तबारकल्लाह सुबहानल्लाह, जो इन्हें अपना शिकार ढूंढने में मदद करते हैं। हम देखते हैं ना कि कार्स में 360 डिग्री कैमरास आए हुए हैं, है ना, 360 डिग्री दूसरे कैमरास भी होते हैं जो व्लॉगर्स लेके घूमते हैं। मच्छर की आँख में ये चीज़ डिस्कवर हुई है, उसकी आँख एक 360 डिग्री विजुअल देख सकती है और रात को भी आसानी से देख सकती है, आप सोचिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और कमाल की बात ये है कि मच्छर दुनिया के डेडली एनिमल में से एक है, डेडली मखलूक है, क्योंकि दुनिया में हर साल 1 मिलियन से ज़्यादा लोग मच्छर की वजह से मरते हैं। इसी वजह से इस आयत में लिखा है कि जो मोमिन हैं वो यकीन करते हैं और जो काफिर हैं वो ये कहते हैं कि इस मिसाल से खुदा की मुराद ही क्या है, ये जो मच्छर की मिसाल दी है अल्लाह ने। इसके ज़रिए अल्लाह ताला बहुतों को गुमराह करता है और हिदायत बख्शता है।
और नाफरमानों को ही गुमराह करता है। आप देखिए, इतनी छोटी सी मखलूक में अल्लाह ताला ने निशानियां रखी हैं कि अल्लाह ताला एक छोटे से मच्छर की मिसाल दे रहा है। अभी सीक्रेट नंबर 6 की बात करते हैं। सूरह अल नहल आयत नंबर 68 एंड 69 अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी, और पहाड़ों में, दरख्तों में और छतों में घर बनाओ, फिर हर किस्म के फलों में से खाओ, और फिर अपने रब के बनाए हुए नरम और आसान रास्तों पे चलती रहो। इसकी पीठ से एक पीने की रंग बिरंगी चीज निकलती है जिसमें अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए शिफा रखी है, बेशक इसमें गौर करने वालों के लिए निशानी है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे अल्लाह ताला का कहना है कि शहद में लोगों के लिए शिफा है। अल्हम्दुलिल्लाह, और साइंटिस्ट ने शहद के बारे में रिसर्च किया है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और कहीं और इसमें जो पदार्थ होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आप ये यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सारी चीज़ें होती हैं शहद में, एंटी बैक्टीरिया, एंटी डायबिटिक और नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टिव इफेक्ट भी पाए जाते हैं। इसी वजह से शहद जो है बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जैसे कि अल्लाह ने फरमाया इसमें लोगों के लिए शफा है। और आगे देखिए, कुरान में कहीं जगह पे ये चीज़ लिखी हुई है कि गौर करने वालों के लिए निशानियाँ हैं। गौर करने वालों के लिए, क्या हम गौर करते हैं? हमें गौर करना चाहिए अल्लाह ताला की निशानियों पे। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानअल्लाह। सीक्रेट नंबर 7, जब भी हमारी बॉडी पे कट लगता है, ऑब्वियसली हर एक इंसान को पेन होता है ना, कैसे होता है पर वो पेन, जब भी कोई कट लगता है, कोई भी जख्म होता है हमारी बॉडी पे, तो हमारी बॉडी के जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, और जब ब्रेन को पता चलता है तो ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि तुम्हें दर्द हो रहा है, फिर हमें दर्द होता है। पर जो ये बॉडी में पेन रिसेप्टर्स होते हैं, इसके बारे में रिसर्च कब हुई? चार्ल्स स्कॉट शेरिंगटन 1906 में इस बंदे ने पेन रिसेप्टर्स के बारे में रिसर्च किया था, ठीक है, उसने इन्वेंशन किया इस चीज़ के बारे में, उसको पता चला पहली बार 1906 में। पर कुरान में सदियों पहले से लिखा हुआ है, सूरह अन्निसा आयत नंबर 56, बेशक उन लोगों ने जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया, अनकरीब हम इनको आग में दाखिल करेंगे, और जब इनकी खालें पूरी जल जाएंगी तो इनको हम दूसरी खालें पहनाएंगे ताकि ये अजाब का मजा चख लें, बेशक अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है। सुभानअल्लाह। सीक्रेट नंबर 8, 4 अक्टूबर 1957 सोवियत यूनियन ने पहला स्पेस मिशन लॉन्च किया, और यहीं से स्पेस एक्सप्लोरेशन का सफर शुरू हुआ, जिसके बाद इंसानों ने एक के बाद एक स्पेस मिशंस किए। 19 सेंचुरी में ही इंसानों ने ये चीज डिस्कवर की थी कि हम स्पेस में भी जा सकते हैं। सूरह अर-रहमान आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिनों और इंसानों की जमात, अगर तुम आसमानों और जमीनों के दायरे से बाहर निकल सकते हो तो ऐसा करो, लेकिन तुम ये हमारे अख्तियार के बगैर नहीं कर सकते। इस आयत से ये पता चलता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान इस दुनिया से, इस धरती से, इस अर्थ से स्पेस में जाएगा, लेकिन वो अल्लाह ताला की हदूद को पार नहीं कर सकता, स्पेस की बाउंड्रीज को पार नहीं कर सकता, चाहे जितना मर्जी इंसान तरक्की कर ले, पर जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह चाहेगा तो ही होगा ये चीज़। आज ये रियलिटी है कि इंसानों ने स्पेस का सिर्फ 4-5% ही डिस्कवर किया है, उससे ज़्यादा नहीं, अराउंड 95% ऑफ स्पेस अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया इंसानों ने, अभी तक सिर्फ 5% हुआ है। अभी के हालात के मुताबिक तो इंसानों के लिए पूरी स्पेस को एक्सप्लोर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सीक्रेट नंबर 9, कुरान की अरबी इतनी ज़्यादा यूनिक है कि आज की जो मॉडर्न अरबी है वो भी इसके आसपास नहीं आ सकती। कुरान में कुछ ऐसे अल्फाज मिलते हैं हमें अरबी में जो स्टैंडर्ड अरबी जो है वहाँ पे लिंग्विस्टिक में पाए ही नहीं जाते वो वर्ड। इसमें कुछ ऐसे सिम्बल्स यूज़ किए गए हैं जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और करेक्ट सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, जैसे सेंटेंस के दरमियान जो पॉज आते हैं। कुरान का जो लिंग्विस्टिक है, जो उसका राइटिंग स्टाइल है, वो भी नॉर्मल अरबी से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। इसी वजह से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान को सुनते थे जब काफिर, उस वक्त के काफिर, नॉन मुस्लिम्स, नॉन बिलीवर्स, तो वो दंग रह जाते थे कि उन्हें पता था उनके दिल के अंदर, चाहे वो माने या ना माने, उन्हें ये चीज़ का विश्वास था कि इंसान ने
इस वर्ड्स को नहीं लिखा। उन्हें ये चीज़ पता थी कि ये नॉर्मल इंसान के अल्फाज नहीं हो सकते, उस अल्लाह के अल्फाज ही हो सकते हैं। इसीलिए कुरान बा कयामत तक पूरी दुनिया को चैलेंज दे रहा है। सूरह अल इसरा आयत नंबर 88 में अल्लाह ताला फरमाता है कि पूरी मैनकाइंड, पूरे सारे इंसान मिलकर भी कुरान जैसी किताब प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, और वक्त कयामत तक है सबको। और ये चैलेंज सबके लिए ओपन चैलेंज है, उस वक्त के लोगों के लिए भी और आज के लोगों के लिए भी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमारे चैनल को हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट भी कर सकते हैं आप। वहाँ पे ज्वाइन का बटन आता है तो ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। तो आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम। तो गाइस, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब कोई गैर कौम के लोग हमारे इस्लाम के बारे में इतनी अच्छी बेहतरीन बातें बोलते हैं। मैं तो सल्यूट करती हूँ परम भाई को जिन्होंने इतनी अच्छी वीडियो बनाई है। और ये खुद दूसरे कौम से, जहाँ पर इनका पूरा बचपन जो है एक हिंदू धर्म के, हिंदू सिख, जी सिख के हिसाब से इनकी जो है जितने भी परवरिश हुई, जो चीज़ें इन सब इनको सिखाई गई सिख के हिसाब से, जो जो उनके कल्चर होते हैं उस हिसाब से जो है इन्हें वो चीज़ें समझाया गया है। लेकिन जब वो खुद अपने आप पर बड़े हुए, उन्होंने जब इस्लामिक वीडियो, पहले उन्होंने अपना इस्लामिक वीडियो रिएक्शन स्टार्ट किया और उससे जो है उनकी जो है नॉलेज ग्रेन होने लगी, और वहाँ से जो है इनकी जो है मतलब कोशिश जो है इस्लाम की तरफ ज़्यादा बढ़ती गई कि इस्लाम की रियलिटी जो है वो जानने के लिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाने लगे कि इस्लाम आखिर क्या है और इसकी क्या रियलिटी है। तो ये चीज़ जो है ना, वो जब वीडियो रिएक्शन करते थे उसी वक्त इनके माइंड में आई थी, और इन्होंने अपनी काफ़ी वीडियो में जो है ये इनका ये सारी चीज़ों का बयान किया है। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि इतनी चीज़ें जो है एक गैर कौम में जो आप परवरिश हुए हो उसके अलावा जो है आप इतने ज़्यादा इस्लाम के बारे में सारी चीज़ें जानते हो, ये बहुत ज़्यादा है अच्छी बात है। और हम सब जो मुसलमान धर्म में रहने के बावजूद जो है इन सारी चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है कि हमारे कुरान में क्या लिखी हुई बातें हैं जिन्हें हम पढ़ें समझें, और जो है साइंटिफिकली ये सारी चीज़ों का प्रूविन भी दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हम समझें। और बहुत सारी चीज़ें इस्लाम में समझने के लिए, लेकिन जो हमारे इस्लाम धर्म के लोग जो है काफ़ी इन सारी चीज़ों से इनकार करते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है इनका वीडियो और जिस तरीके से इन्होंने, अब मैं बात करती हूँ वीडियो के बारे में, तो वीडियो जो इन्होंने बनाई है 9 हिडन सीक्रेट्स के बारे में, वो चीज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा सच है और बिल्कुल सही बातें जो हम तक पहुंचाई है। कुरान शरीफ जो है सदियों पहले लिखी गई है, लेकिन आज भी जो है एक एक चीज़ जब सामने आती है तो पता चलता है कि कितना ज़्यादा, मतलब क्लियरली तरीके से सच एक बता सकते हैं कि एक रियलिटी चीज़ें लिखी हुई है कुरान शरीफ में, जो सदियों पहले जो चीज़ें अब के ज़माने में इतनी ज़्यादा मतलब समझ में आ जाएगी लोगों को, इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है लोगों को समझ में आ जाएगी, लेकिन ये सारी चीज़ें जो पहले से कुरान शरीफ में लिखी हुई थी। तो ये अपने आप में एक मिसाल है, एक खुदा का होने का एक निशान है कि अल्लाह पाक ने जो है हम सबको बनाया है और उनकी किताबों में ये सारी चीज़ों का जिक्र है। तो जो जो अभी, तो फिर भी जो भी अभी इस गफलत की ज़िंदगी में जी रहे हैं, आई होप ये वीडियो उनके लिए कहीं हद तक एक मैसेज वाला वीडियो होगा। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें आगे इस वीडियो को। तो बहरहाल इजाज़त दीजिए एक नए वीडियो रिएक्शन में, तब तक ले अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।